लाइन इंस्टॉलेशन डब्ल्यू सी है, उसमें जो पहले आते थे वो इस प्रकार के आते थे बुशेस प्लास्टिक के, इनको आपको एलन की से कसना होता था। इसको लगाने के लिए आपको ये वाला जो बुश है लोहे का, ये ज़रूरी चाहिए होता था, जो कि इसके अंदर जाके इसके पर्टिकुलर इसके ठीक सामने आके अंदर से, और इसको फिर हम कसते थे और ये बैठ जाता था ठीक जगह पे, और ये लॉक हो जाता था। इस तरह कस देंगे पूरा लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया, ठीक है, इस तरीके से लॉक होता था। इसमें परेशानी क्या थी कि इसको आपको ध्यान रखना होता था कि ठीक ये इसी जगह पे आकर बैठे, इसका जो होल है ये बिल्कुल ठीक इसके सामने आना चाहिए। अगर आपने इधर घुमा दिया, पीछे रह गया या आगे रह गया, तो ये ठीक जगह से नहीं बैठता था। इसको चेंज करके कंपनी ने ये वाले बुशेस लॉन्च किए हैं। इन बुशेस की खासियत ये है कि आपको ये वाले लोहे की बुश की ज़रूरत नहीं है अब इंस्टॉलेशन करने के लिए। कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसमें देखिए अंदर की तरफ आप देखेंगे, अभी कुछ आपको दिख नहीं रहा है, देखा क्लियर हो रहा है। तो ये आप इसको, अगर आप इस रॉड को डालेंगे तो ये पूरी तरीके से चली जाएगी, थोड़ा सा ढीला कर दें, रॉड इस तरफ से जाएगी, सीट इस तरफ से लगेगी और रॉड इधर लगी हुई होगी। जब आप इसको बैठाएंगे तो ये बैठ जाएगा इसके अंदर। इसको बैठा के डायरेक्ट बैठाना है इसको इस तरीके से। जब आप इसको कसेंगे तो आप देखेंगे कि ये रॉड धीरे धीरे करके ये बाहर निकलने लग जाएगी। यानी कि ये बुश पीछे की तरफ सरक रहा है, दीवार की तरफ सरकता हुआ आ जाएगा। पॉज कर दो, पॉज, पॉज नहीं है उसमें। ये बाहरी तरफ खिंचता चला आ रहा है, इसका मतलब ये जैसे जैसे हम इसको कसते जाएंगे ये रॉड पीछे की तरफ इसको खींचता जाएगा आगे की तरफ, और ये जाके एक जगह टाइट हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा टाइट करेंगे निकलता आएगा। और इसमें ये भी फ़ायदा है कि आपको एक्स्ट्रा रॉड को काटने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही छोड़ देना है, और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अभी आप देखोगे कि ये हिलता हुआ दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा कि हिल रहा है, लेकिन जब इसको सीट पर लगाओगे तो ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे और ये फुल टाइट हो जाएंगे। इसको लगाना ज़्यादा आसान है, इसके टूटने का चांसेस भी कम है, ठीक है। इसमें आप देखिए अंदर की तरफ थ्रेड टाइप की दिखेंगी आपको, जब हम इसको कर घुमाते हैं तो ये चारों तरफ घूमती हैं, ये थ्रेड्स बाहर निकल के आ गई हैं। जब हम इसको खोल लेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगी, वापस की तरफ खोलेंगे तो ये देखिए पूरी अपनी जगह जाके बैठ गई, इसमें अब कोई नहीं है। जैसे ही कसना शुरू करेंगे सबसे पहले तो ये बाहर निकलेगी, वो बाहर निकल के फिर ये चारों तरफ घूमना शुरू करेगी, जो रॉड को खींचना शुरू कर देती है अपनी तरफ।